रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले एक काम जरूर करें, आपकी किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ भक्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है और इसकी सत्यता को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली है। भक्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन और भाई दोनों को लाभ प्राप्त होता है। इस रक्षाबंधन के दिन कोई भी स्त्री देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके अपना किस्मत चमका सकती है। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस साल राखी के पर्व को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन है, तो आइए सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति का समय है 30 अगस्त रात्रि 9:01 और रक्षाबंधन मुहूर्त है 30 अगस्त रात 9:01 के बाद से 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक। पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 31 अगस्त को सुबह 7:05 में। तो अब बात आती है कि राखी बांधने का शुभ समय कौन सा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा बुधवार 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से शुरू होगी और गुरुवार 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। 30 अगस्त को भद्रा भी लग रही है और रात 9:01 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि राखी बांधने का शुभ समय 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद ही शुरू होगा। लेकिन जो लोग रात 9:01 के बाद राखी नहीं बांध सकते हैं, वे अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इसी समय पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ और इससे जुड़ी रोचक कथा क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि रक्षाबंधन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। भक्तों, राजा बलि बहुत दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार में पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि को 3 पग भूमि दान स्वरूप देने के लिए कहा। राजा बलि तो दानवीर थे ही, उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। भगवान विष्णु की इस चाल को राजा बलि समझ गए और उनके 3रे पग को अपने सिर पर रखवा लिया। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चलें। भगवान विष्णु ने भक्त की विनती स्वीकार करते हुए पाताल लोक चले गए। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी, जिसके बाद उन्होंने एक गरीब महिला का रूप बनाकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। जिसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। साथ ही जाते वक्त भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। एक कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा युधिष्ठिर से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान रहा था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी हुए। ऐसा माना जाता है कि यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई थी।
भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए थे। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर थिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। अब आइए आपको वो महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताते हैं जिस कार्य को करके स्त्री अपना भाग्य बदल सकती है। जैसा कि आपको पता होगा भक्तों की, रक्षाबंधन पर भाई के अलावा भगवान, वाहन, पालतू पशु ऐसे कई जगहों पर राखी को बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हमारी रक्षा के साथ ही सभी की रक्षा हो। तो आइए बताते हैं अपना भाग्य बदलने के लिए आपको रक्षाबंधन के दिन भाई से पहले खास तौर पर किन देवताओं को राखी बांधनी चाहिए और देवताओं को राखी क्यों बांधनी चाहिए। सबसे पहले आप गणेश जी को राखी बांधे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार गणपति जी प्रथम पूज्य देवता हैं। भक्तों किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करने के पूर्व उन्हीं की पूजा करते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हें ही राखी बांधी जाती है। गणपति जी की बहनें अशोक सुंदरी, मनसा देवी और ज्योति हैं। उसके बाद आप भगवान शिव जी को राखी बांधे, क्योंकि श्रावण माह शिव जी का माह है और इसी माह की पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार कहते हैं कि भगवान शिव की बहन असावरी देवी थीं। उसके बाद आप पवन पुत्र हनुमान जी को राखी बांधे भक्तों, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के रुद्रावतार हैं। जब देव सो जाते हैं तो शिव जी भी कुछ समय बाद सो जाते हैं और वे रुद्रावतार रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए श्रावण माह में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है। सभी संकटों से बचने के लिए हनुमान जी को राखी बांधते हैं। उसके बाद आप कान्हा जी को राखी बांधे, क्योंकि शिशुपाल का वध करते वक्त श्री कृष्ण के हाथ से खून बहने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया था। इस कार्य के बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संकट के समय उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। श्रावण माह में श्री कृष्ण की पूजा का भी खास महत्व है। योंकि भादों में उनका जन्म हुआ था तो एक माह पूर्व से ही ब्रजमंडल में उनके जन्मोत्सव की धूम रहती है। अब आप नाग देवता को भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि मनसा देवी के भाई वासुकी सहित सभी नागों की नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। रक्षा बंधन पर नागदेव को भी राखी अर्पित करने की परंपरा है। नागदेव सभी तरह के सर्प योग और भय से मुक्त करते हैं। इन देवताओं को क्रम अनुसार राखी बांधने के बाद आप कुल देवता और अपने इष्ट देव को भी राखी बांधे, लेकिन याद रहे सबसे पहले गणेश जी को ही राखी बांधे। देवताओं को राखी बांधने के बाद अपने भाइयों को भी राखी बांध दें। रक्षाबंधन के दिन अगर आप इस प्रकार देवताओं को राखी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। भक्तों जरा इन बातों पर विचार करके देख लें, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आपको राखी बांधने के कुछ विधि से अवगत करा देता हूँ। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बांधने से पहले अपने भाई को रोली और चावल के दाने यानी अक्षत का टीका लगाएं, पूजा की थाली सजा लें और पूजा की थाली में एक घी का दीपक जलाएं और अपने भाई की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भाई को कुछ मीठा, मिठाई या लड्डू खिलाएं। इसके बाद सबसे आखिर में अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर प्यार से राखी बांधे। राखी बांधते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, राखी बांधते समय राखी ज्यादा टाइट या ज्यादा ढीली ना हो। राखी इतनी ही टाइट बांधे जिससे आपके भाई को राखी बंधवाने के बाद कष्ट ना हो। राखी बांधते समय हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है भक्तों, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बधनामी रक्षे माचल माचलः। इसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना।
तो ये थी रक्षा सूत्र की कुछ जानकारियाँ। जो स्त्री इस प्रकार देवताओं को राखी बांधकर अपने भाई को राखी बंधेगी, उसके ऊपर जिस प्रकार भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी प्रकार देवताओं द्वारा जीवन में हमेशा रक्षा प्राप्त होती रहेगी। हनुमान जी के साथ साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगी भक्तों, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवनसुत हनुमान की जय। बगल में लखनलाल की जय। जय जय सीताराम। जय बालाजी महाराज। जय बागेश्वर धाम सरकार।